रोज रोज की कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, जिनको हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही आसान हो जाती है। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो लौकी को लेकर है। कई बार लौकी मार्केट से लाते हैं लेकिन हमें जरूरत होती है आधी ही लौकी की। अब जो आधी लौकी होती है, आपने देखा है लौकी का जो जूस होता है, जो रस होता है, उसकी वजह से लौकी पूरी लाल लाल हो जाती है और इसकी जो ऊपर वाली परत है वो सूख भी जाती है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी ऊपरी वाली जो लेयर होती है उसको काट कर हटा देते हैं, तो वो हमारा नुकसान होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा नींबू का जूस लेना है। जैसे यहाँ पर नींबू से मैंने 2 से 3 बस ड्रॉप जूस लिए हैं। नींबू के जूस को लौकी के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। लौकी के जूस के ऊपर जो नींबू का रस है वो एक लेयर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लौकी का जूस जो लाल लाल निकलता है वो निकलता नहीं है। और इसके बाद से आप क्या करिए, कोई फॉइल पेपर हो, कोई पॉलिथीन हो या क्लिंग रैप वगैरह है, उससे इस तरीके से लौकी को रैप करके फ्रिज में रख दीजिए। अब ये लौकी 8 से 10 दिनों तक भी खराब नहीं होगी, आप इसका इस्तेमाल बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। आइए एक और टिप देखते हैं, जो कि है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन छीलना यानी कि बहुत ज्यादा सरदर्दी का काम। अगर जो लहसुन होती है उसके दाने छोटे छोटे होते हैं तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये टिप जो मैं बता रही हूँ आप इसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं लहसुन छील रही थी, मैंने इस टिप को फॉलो किया था तो मैंने सोचा ये टिप भी आपके साथ शेयर कर दूं। हमें लेना है थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी में लहसुन की कलियों को इस तरीके से अलग अलग करके और गर्म पानी में आपको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। पानी जब हल्का सा ठंडा हो जाए, सहने लायक हो जाए, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं इस पानी को एक बार छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद हम इस लहसुन को छील कर देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, लहसुन को निकालते हैं और छील कर देखते हैं। जैसे ही हम इसको छीलना स्टार्ट करते हैं आप देखेंगे कि इतनी इजी तरीके से लहसुन को छिलके उतरते हैं। आज से पहले अगर आपने कभी भी इस टिप को फॉलो नहीं किया है तो एक बार जरूर करके देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लहसुन ज्यादा पील करते हैं और टाइम कम होता है। ऐसे में लहसुन के छिलके एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे ही हम इनको हल्का सा मतलब निकालते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही इजी हो जाता है ये तरीका। तरीका ऐसा होता है कि बच्चे भी इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं और लहसुन को छील सकते हैं। तो मुझे तो ये तरीका बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है सेफ्टी पिन को लेकर। कई बार हम सेफ्टी पिन अपनी किसी साड़ी में, किसी कुर्ते में, किसी दुपट्टे वगैरह में लगाते हैं। मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल कपड़े में लगाकर दिखा रही हूँ। जो सेफ्टी पिन होती है उसको जब हम लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सेफ्टी पिन का ये जो गोल वाला पार्ट होता है इसमें हमारा कपड़ा पूरा फंस जाता है और ऐसे टाइम पर जो ब्लाउज होता है, जो भी साड़ी वगैरह होती है वो फट जाती है। इसके लिए अगर आपको इमरजेंसी में कुछ भी ना मिले तो एक पेपर का टुकड़ा तो मिल ही सकता है। आपको पेपर के टुकड़े को इस तरीके से एकदम अच्छे से छोटा सा पार्ट बनाना है और इस पेपर के टुकड़े में आपको सेफ्टी पिन को लगा देना है। थोड़ा सा इस तरीके से मोटा पार्ट होना चाहिए जिससे पेपर का टुकड़ा निकले नहीं। अब इसके बाद से जब आप सेफ्टी पिन को अपने सूट या साड़ी में लगाएंगे या फिर ब्लाउज वगैरह में, तो आप देखेंगे कि साड़ी फटती नहीं है। इस गोल वाले पार्ट में हमारे जो सेफ्टी पिन है वो कपड़े जो है वो अटकते नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे करके और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है इडली बनाने को लेकर। कई बार हम इडली बनाते हैं, इडली बनाने के तुरंत बाद ऐसा होता है कि इडली के सांचों से लोग इडली निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप इडली के सांचों को थोड़ा सा स्लैब पर इस तरीके से फैला कर रख दीजिए। जब आप देखिए कि इसका भाप हल्का हल्का निकल चुका है तभी आप इसको निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हम गरम गरम इडली के सांचों से इडली निकालते हैं तो इडली टूट जाती है। तो ये जो एक छोटी सी टिप होती है कि जब तक इसका भाप ना उड़ जाए तब तक इडली के सांचों से इडली को नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद से अगर आप इडली को निकाल रहे हैं इडली के सांचों से, तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप थोड़े से पानी में ऑयल की कुछ बूंदे डाल लीजिए इस तरीके से। उसके बाद से जो स्पून आप यूज करिए वो थोड़ी सी जो पतली वाली होती है, यानी कि जिसके आगे का पार्ट पतला होता है, जो स्टील पतला होता है, उसी स्पून का इस्तेमाल करें इडली को निकालने के लिए। इससे क्या होता है, एक तो इडली आसानी से निकल जाती है, इडली में नेक्स्ट टाइम ऑयल भी नहीं लगाना पड़ता और इडली जो है टूटती भी नहीं है। मतलब कई सारे फायदे होते हैं इस तरीके से इडली को निकालने के। देखिए इडली कितनी बढ़िया बनी है। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई है। नेक्स्ट टिप है कच्चे दूध को लेकर। कई बार हमें घर में रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना होता है। ऐसे में क्या होता है कि हम मार्केट से क्रीम लेकर आते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट वाला खाना बनाना है उसमें आपको क्रीम डालना है तो थोड़े से कच्चे दूध को फ्रिज में रख दीजिए। 1 से 2 घंटे में आप देखेंगे दूध के ऊपर एक पतली सी लेयर जमती है, जिसको हम मलाई तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ये क्रीम की एक फॉर्म होती है। तो ये जो क्रीम के ऊपर जो हल्की सी आपको दूध के ऊपर जो क्रीम की एक लेयर दिख रही है, इसको आप धीरे धीरे निकाल लीजिए।
और ये जो क्रीम इकट्ठा होगी इसको आप अपने रेस्टोरेंट स्टाइल वाली सब्जियों में यूज करिए। ये क्रीम मार्केट वाले क्रीम से भी ज्यादा बढ़िया स्वाद देती है और बस आप दूध को इसके बाद बॉयल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले क्रीम को ऐसे निकाला जा सकता है। एक और टिप है टूटे हुए क्लचर को लेकर। जैसे मेरा ये क्लचर टूट गया, अब इसका क्या इस्तेमाल करें? लेकिन हाँ, इससे हम छोटे छोटे जुगाड़ जरूर लगा सकते हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जुगाड़ू टिप साबित होते हैं। तो ये जो क्लचर है, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डबल साइड वाले टेप। डबल साइड वाले छोटे छोटे टेप के टुकड़े ले लीजिए। क्लचर के दोनों साइड यानी कि फ्रंट वाले पार्ट में आपको इस तरीके से चिपका लेना है। अब इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, मैंने यहाँ पर अपने वॉश बेसिन के पास एक जो क्लचर का एक पार्ट है वो मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर कांच के पास हम यहाँ पर इसको स्टिक करेंगे जो हमने टेप लगाया है उसकी मदद से। तो टेप है जो उसका पेपर है उसको निकाल लीजिए और उसके बाद से इस टेप के माध्यम से हम अपने क्लचर को वॉल पर इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो क्लचर का जो जो जिसको दाता बोलते हैं, जो नुकीला वाला पार्ट है, वो इस तरीके से नीचे होना चाहिए और बस ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से आप वीडियो में देखे हुए तरीके से कर लीजिए। अब इसके बाद से क्या होता है कि हमारे पास टंकीनर होते हैं, ब्रश होता है, जो बच्चों के होते हैं इधर उधर पड़े होते हैं, आप इसमें टंकीनर वगैरह हैंग कर सकते हैं या फिर एक टंकीनर के साथ आप एक ब्रश लगा कर रख सकते हैं। मतलब अगर कोई पेयर है ब्रश टंकीनर का उसको भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने एक क्लचर वाला पार्ट लगाया है तो इसमें बच्चों के रूम में रख दीजिए। बच्चे अपने छोटे छोटे जो चेन वगैरह होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप बैंड है मेरी बेटी का, उसको भी इन तरीके की चीजों को भी हम हैंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वजनदार चीजें तो नहीं हैंग कर सकते, लेकिन हाँ ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इनसे हम अपना काम आसान बना सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर है एक शैम्पू का पाउच। ये जो शैम्पू का पाउच है इसको हम लेकर चलते हैं और रखेंगे अपने फ्रीजर में। क्यों रखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही शैम्पू का एक पाउच रखा हुआ है, जो मेरे हाथ में है फ्रेश वाला उसको मैं रख देती हूँ और जो पहले से रखा था उसको लेकर चलते हैं वापस से। तो ये जो हमारा हार्ड शैम्पू का पाउच है, ये हमारे काम आएगा जब भी कभी किचन में हम इमरजेंसी में जल जाते हैं, कभी हमें मच्छर काट लेता है, कभी अचानक से स्किन में किसी तरह की सनसनी चालू हो जाती है, कभी जलन होने लगती है, मतलब कुछ भी तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं या मॉस्किटो बाइट होता है, उस टाइम पर शैम्पू का ये पाउच आपके लिए आइस पैक का काम करेगा। इस तरह से एक छोटा सा पाउच आप अपने फ्रीजर में हमेशा रखकर छोड़िए और जब भी कभी किचन में इस तरह की दिक्कत हो या फिर बच्चे धूप से जल कर आते हैं, किसी का फेस जल जाता है, गाल एकदम लाल से हो जाते हैं, ऐसे टाइम पर ये छोटा सा पाउच हमारे लिए आइस पैक का काम करता है। आप इस शैम्पू के पाउच से उस जगह पर सेक करिए और उसके बाद से आप देखिए कि कितनी ज्यादा आपको रिलीफ मिलती है। कहीं कट लग जाती है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है नाइफ के साथ। नाइफ की धार सब्जियां काटते काटते हल्की हो ही जाती है, ब्लंट हो ही जाती है, ऐसे टाइम पर किचन में ही इसका जुगाड़ संभव है। तो मैं जो जुगाड़ लगाती हूँ चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे पास स्टील वाले स्क्रबर होते हैं, यानी कि जूना जिसको लोग बोलते हैं, स्टील वाले स्क्रबर से आपको अपनी नाइफ को इस तरीके से रब करना है। जैसे ही आप इसकी धार पर स्टील वाले स्क्रबर से रब करेंगे तो ज्यादा नहीं करना, 30-40 सेकंड के लिए करना है, आप देखेंगे कि हमारी जो चाकू की धार है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकने लगती है, शाइन करने लगती है। आप इसे एक बार सब्जियां काट के देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। देखिए एकदम शाइन करने लगी है धार और धार भी तेज हो गई है। पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।